आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। फरुखाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर की सभा के दौरान टूटा मंच, स्थानीय नेताओं ने बीजेपी की साजिश का लगा है आरोप, सपा और राजभर की पार्टी के कार्यकर्ताओं को मंच से हटाया गया, टूटे मंच से ही भाषण दे रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। अमृतपुर विधानसभा के क्षेत्र मोहद्दनपुर में पूरा मामला सामने आया है, जहां पर मंच टूटने का पूरा मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर की सभा के दौरान उनका मंच टूट गया, वहीं स्थानीय नेताओं ने बीजेपी की साजिश का आरोप इस पूरे मामले पर लगाया है। सपा और राजभर की पार्टी के कार्यकर्ताओं को फिलहाल मंच से हटाया गया है, वहीं टूटे मंच से ही अपना भाषण ओम प्रकाश राजभर ने जारी रखा। अमृतपुर विधानसभा क्षेत्र के मोहद्दनपुर का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। फरुखाबाद से पूरा मामला सामने आया, जहां पर पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर की सभा के दौरान उनका मंच टूट गया, वहीं स्थानीय नेताओं ने बीजेपी की साजिश का इस पूरे मामले पर आरोप लगाया है। आपको बता दें कि सपा और राजभर की पार्टी के कार्यकर्ताओं को फिलहाल मंच से हटा दिया गया है, वहीं टूटे मंच से ही ओम प्रकाश राजभर ने अपना बयान जारी रखा। अमृतपुर विधानसभा क्षेत्र के मोहद्दनपुर गांव में ओम प्रकाश राजभर पहुंचे हुए थे, जहां पर उनकी रैली जो थी वो आयोजित की जा रही थी। वहीं ये बड़ी खबर सामने आई, जहां ओम प्रकाश राजभर की सभा के दौरान उनका मंच टूट गया। वहीं से खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे फरुखाबाद संवाददाता सुंदरम हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सुंदरम, जिस प्रकार से ओम प्रकाश राजभर का संबोधन के दौरान उनका मंच टूट गया, क्या कुछ मामला सामने आया है? पार्टी के नेता स्वागत कर रहे हैं, वैसे ही मंच भरभरा के टूट गया और वहां पर भगदड़ की स्थिति बन गई है। कुछ लोगों के चोटें भी आई हैं और ओम प्रकाश राजभर के जो नेता है उन्होंने भाजपा पर इसके साजिश का आरोप लगाया है और ओम प्रकाश राजभर टूटे हुए मंच से ही वापस दे रहे हैं। जी, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, मंच टूटने के पूरा भी मामला सामने आया, कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, क्या कुछ अनुमान है, कितने लोग हैं जो इस पूरे मामले में घायल बताए जा रहे हैं, क्या किसी की हालत गंभीर है? जी, अभी मंच के पास बहुत भीड़ बनी हुई है, कोई एक अनुमानित स्थिति का आकलन नहीं किया जा रहा है कितने लोग घायल हैं, लेकिन हाँ कुछ लोगों के इसको चोटें आई हैं और गंभीर चोटें ज्यादातर किसी की नहीं है, क्योंकि ज्यादा कोई भीड़ भी वहां पर नहीं थी। लेकिन मंच टूटने पर जो आरोप लगाया जा रहा है वो भाजपा के नेताओं पर लगाया जा रहा है, स्थानीय नेताओं द्वारा, कि मंच टूटने की साजिश भी भाजपा की साजिश है। जी, जिस तरह से ये पूरा ओम प्रकाश राजभर का कार्यक्रम चल रहा था, ऐसे में मंच पर ओम प्रकाश राजभर के साथ और कौन कौन से बड़े नेता जो थे वो शामिल बताए जा रहे थे? जी, मंच छुटा था वहां पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सहित समाजवादी पार्टी का बड़ा कुनबा था और सुहेल देव पार्टी के भी लोग बड़े नेता वहां पर मौजूद थे और नीचे महिलाएं जमीन पर बैठी हुई थी। मंच जैसे ही टूटा वहां पर भगदड़ की स्थिति भी हो गई थी। जी सुंदरम, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया, क्या इसमें ओम प्रकाश राजभर को भी चोटें आई हैं? जी, ओम प्रकाश राजभर को चोटें नहीं आई हैं, वो मंच के दूसरे हिस्से में थे, जिस हिस्से में टूटा था उसके दूसरे हिस्से में ओम प्रकाश राजभर जी थे, वहां पर बैठे हुए थे, तो उनको किसी प्रकार की चोट नहीं है, वह टूटे मंच से ही भाषण दे रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदरम आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो फरुखाबाद से पूरी खबर सामने आई है, जहां पर ओम प्रकाश राजभर के रैली के दौरान ये बड़ा हादसा देखने को मिला है। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर जब सभा को संबोधित करने वाले थे, उससे पहले ही उनका मंच टूट गया, वहीं पर सपा और राजभर के पार्टी कार्यकर्ताओं को फिलहाल मंच से हटा दिया गया है और अब टूटे हुए मंच से ही ओम प्रकाश राजभर अपना बयान जारी रख रहे हैं। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।